हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बिहार पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो कि पोस्ट निकला हुआ है, जॉब वैकेंसी निकला हुआ है, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, इसके साथ साथ इसका जॉब लोकेशन जो रहेगा बिहार में, और बिहार पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो पोस्ट निकला हुआ है, पोस्ट का नेम है असिस्टेंट इंजीनियर, और एप्लीकेशन ऑनलाइन है। ऑनलाइन के डेट जो कि शुरू होगा 26 नवंबर 2018 से शुरू होगा एंड लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2018 में। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो कि दिया गया है एग्ज़ाम डेट यहाँ पे नहीं बोला गया है, और करेक्शन अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन करने के बाद अगर कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो आपको वो ऑनलाइन करेक्शन के लिए आप 17 से 24 दिसंबर 2018 तक आपको उसको आप जो कि ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, आपको ऑनलाइन में जाके एप्लीकेशन करना होगा, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज या एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। आप फ्री में ये एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ पोस्ट का नेम जो है असिस्टेंट इंजीनियर, ब्रांच है सिविल एंड मैकेनिकल। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर आपको 70, सिविल के लिए यहाँ पे है 64 एंड मैकेनिकल के लिए है 6। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 से 37 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर मेल कैंडिडेट, एंड जो लोग फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते उन लोगों के लिए 21 से 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए आपको बीई और बैचलर इंजीनियरिंग एंड बीटेक डिग्री सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर कार्ड इन ईयर 26, 17 एंड 2018, आपको इसका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। पोस्ट जो है असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए आपको यहाँ पे जनरल वालों के लिए 32 सीट है एंड ओबीसी वालों के लिए 5 सीट है, ईबीएससी के लिए 14 एंड ओबीसी फीमेल के लिए यहाँ पे 4 है, एससी के लिए 9, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 0 एंड टोटल जो है यहाँ पे आपको 64 होता है। एंड असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए यहाँ पे आपको जनरल वालों के लिए 3, ओबीसी वालों के लिए 1 एंड ईबीसी के लिए 1, और एसटी के लिए यहाँ पे 0, एससी के लिए 1। तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे आपको 6, तो टोटल जो है 70 पोस्ट जो है यहाँ पे, और इसके लिए आपको ऑनलाइन में जाके एप्लीकेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियल के एडवर्टाइजमेंट है इस जॉब के लिए, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको और एक बार चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द आप लोगों को दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।